साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली। इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन फिताहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज इस मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे है, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजन्स इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कनकन फिताहा मूवी को देखना चाहते हो, फिताहा मूवी पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। फिताहा मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर और YouTube पर। इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्थ के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी YouTube प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग के करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनकन संजय दत्त के फ़ैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ जो ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कॉमेंट करके बताने लगे, जिसका रीजन था कि मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूं। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर #फिताहा फुल मूवी लिखी है, और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स पर मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती
और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों। मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह की मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ की कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कंसर्न रखे मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, और पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार लिया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कौन-कौन इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे। और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है, और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर जी फाइव की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताया कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कनकन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे, और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते थे। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरीके की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रहे थे पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है, और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, स्टोरी की वजह से ही ये मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे रीजन अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीजन से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय दत्त सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था,
और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिता मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे है तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखना चाहते हो, पिता काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी
देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। मंच मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कहकर इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कहकर संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के अपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में हैशटैग पिता फुल मूवी लिखिए और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती दोस्तों मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ की कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो। अर्पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है उसके साथ उन्हें 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है और साथ ही साथ आप लोगों में से कहकर इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताया कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है और आप लोगों में से कहकर इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कहकर इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज में आ रही थी पिछले टाइम और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतनी ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कहकर इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीजन से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग
फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही ये मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी। उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग फिदहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। हैशटैग संजय दत्त जैकी श्रॉफ हैशटैग फिदहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल को अब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते। मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय दत्त सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने दूसरे टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कन कन पिता मूवी में संजय दत्त सर के किरदार को पसंद करते हो, और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अर्से से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय दत्त सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कन कन पिता मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिदहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीज़न ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे काफ़ी टाइम के बाद, और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीज़न इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन पिता मूवी को देखना चाहते हो, पिता मूवी पिता काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने
आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जॉनरा को उतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज़ हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज़ कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीज़न उस मूवी को रिलीज़ करवा सकते हैं। ऑफिशियली मूवी के अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कहने का निशान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जॉनर कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही। आप लोगों में से कहने का संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजन आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतजार करने लगे और हमें कॉमेंट करके बताने लगे, जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कॉमेंट बॉक्स # पिता फुल मूवी लिखिए और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर उस मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहकर इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो। अर्पित मूवी के लिए आप काफ़ी अच्छे से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कहकर इन जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जॉनर की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, G नेटवर्क G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कहकर इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कहकर इस तरह के
जॉनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो आप हमें कमेंट करिए, और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जॉनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रही थी पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतना ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोग में से कन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा, मूवी काफ़ी बेहतरीन है स्टोरी की वजह से ही ये मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे रीजन अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, मूवी के सीक्वल को अब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीजन से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते ही लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं, और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लेट कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लेट कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई
मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीज़न ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कंकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूं। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजंस इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिटाहा मूवी को देखना चाहते हो, पिटाहा मूवी पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को उतना ज़्यादा प्यार रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और YouTube पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीज़न उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कहने का निशान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रहे थे, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कहने का संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कॉमेंट करके बताने लगे, जिसका रीज़न था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कॉमेंट बॉक्स #पिता फुल मूवी लिखिए और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह की मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ की कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो। अर्पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अच्छे से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हैं लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कनकन इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देख
सकते हैं, लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर जी फाइव की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कहीं कहीं जान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे, और दो हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिटेल सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे, और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों में से कहीं कहीं इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए, और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रही थी पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतना ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कहीं कहीं इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है, और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है, और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा, मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा, हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेकर कमेंट करिएगा, मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है, उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं, और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अर्से से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे, और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर की मूवी के अंदर। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग में इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन
G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कन कन फिताहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूं। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजंस इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कन कन पिताहा मूवी को देखना चाहते हो, पिता काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को इस तरह की मूवी देखना पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनकन संजय दत्त के फ़ैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ है ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे, जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर हैशटैग पिताहा फुल मूवी लिखी है, और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर के काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कनकन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, और पिताहा मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को
अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार लिया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कौन कौन इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे। और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर जी फाइव की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताया कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कौन कौन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अरसे से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रहे थे पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेकर कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन और स्टोरी की वजह से ही ये मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं, दोस्तों आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #सनेजैकिसराबा #फुल मूवी लेकर कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कौन कौन पिता मूवी में संजय दत्त के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अरसे से लोगों को प्यार दिया
किया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर उन पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ और संजय सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली। इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कन कन फिटाहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फिटाहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूं। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कन कन फिटाहा मूवी को देखना चाहते हो, फिटाहा मूवी पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। फिटाहा मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर और YouTube पर। इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी YouTube प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे TV शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रखी मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही
रही है। आप लोगों में से कहीं संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ है ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में हैशटैग पिता फुल मूवी लिखी है और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कंसर्न रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो और पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है और साथ ही साथ आप लोगों में से कौन कौन इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताया कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है और आप लोगों में से कहीं इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिटेल सीन्स काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो आप हमें कमेंट करिए और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रहे थे पिछले टाइम और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीजन से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग फुल मूवी संजय दत्त लेकर कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी। उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने और मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं पसंद करते हैं दोस्तों आप हमें बताइएगा।
हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग फिटहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा और इस तरीके से जानना कि कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरीके के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा फिटहा मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं। और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे रीजन अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। हैशटैग जैकी श्रॉफ हैशटैग फिटहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते। मूवी के स्टोरी कहानी के रीजन से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कौन कौन पिता मूवी में संजय सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनता के मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अर्से से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे जिसको देखते लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर उन पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ और संजय सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओमपुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कौन कौन फिटहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिटहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और खास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन फिटहा मूवी को देखना चाहते हो, फिटहा मूवी पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। फिटहा मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और YouTube पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्से के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं
ऑफिशियली मूवी के अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कहने का निशान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनर कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कहने का संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ जो अपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीज़न था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स हैशटैग पिता फुल मूवी लिखिए और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह की मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो। अर्पित मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल रीजन से स्टोरी जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनर की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है और साथ ही साथ आप लोगों में से कहीं कहीं जनर की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनर की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइट है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिटेल सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कहीं कहीं इस तरह के जनर की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रही थी पिछले टाइम और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कहीं कहीं इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनर की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से मूवी सक्सेसफुल रही है
और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी। उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फिटहाफुलमूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं। और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #SanjayDutt #FitahFullMovie लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते। मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय दत्त सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते ही लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतने ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिता मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #FitahFullMovie लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है।
और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजंस इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिटाहा मूवी को देखना चाहते हो, पिटाहा मूवी पिता काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं। ऑफिशियली मूवी के अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कर इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनक संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ जो अपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीज़न था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर # पिता फुल मूवी लिखी है और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीज़न से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर उस मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कंसर्न रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, अर्पित मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कहने सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है, उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आपने देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कनकन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताया कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो
अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है। और आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और दो हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था। और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे, मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अरसे से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों में से कहीं कहीं इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जॉनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज में आ रही थी पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कहीं कहीं इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को देखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीजन से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेकर कमेंट करिएगा, मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं। और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे रीजन अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, मूवी के सीक्वल को अब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अरसे से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे, और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग में इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के
वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग पिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और खास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूं। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखना चाहते हो, पिताहा मूवी पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को उतना ज़्यादा प्यार रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और YouTube पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं। ऑफिशियली मूवी के अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कहने का निशान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनकन संजय दत्त के फ़ैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ जो अपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे, जिसका रीज़न था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर हैशटैग पिताहा फुल मूवी लिखी है, और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीज़न से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, और पिताहा मूवी के लिए आप काफ़ी अच्छे से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है, उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए। संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा, और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी, और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हैं लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन
इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोग मुझसे कनकनी जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे, और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी की स्टोरी में कमबैक कर दिया है जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है जी नेटवर्क पर, जी फाइव की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कनकनी जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे, और दो हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अरसे से इंतज़ार में रहे थे, और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो आप हमें कमेंट करिए, और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रही थी पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतनी ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोग में से कनकन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है, और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है, और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है, उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं पसंद करते हैं दोस्तों आप हमें बताइएगा, हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #सनेजैकिश्राफ #फुल मूवी लेकर कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है, उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते ही लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं, और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अरसे से इतने ज़्यादा प्यार दिया रहे, और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे।
साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कंपनी इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन फिटाहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिटाहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और खास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कनकन फिटाहा मूवी को देखना चाहते हो, फिटाहा मूवी काफ़ी बेहतरीन मूवी है। फिटाहा मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे TV शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनकन संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कॉमेंट करके बताने लगे, जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कॉमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिटाहा फुल मूवी लेके, और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती
और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों। मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह की मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ की कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं जान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, अर्पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कहीं इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे। और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिटेल सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों में से कहीं इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रहे थे पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कहीं इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन और स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीजन अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ही ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय दत्त सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी,
और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कनकन पिता मूवी में संजय दत्त सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनता की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अर्से से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरीके जनरल की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूंगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतने ज़्यादा प्यार दिया रहे, और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और खास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रख के है, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखना चाहते हो, पिता काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को उतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया, और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी
देखना पसंद है। और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कहीं ध्यान रखिए, मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कहीं संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ जो ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीज़न था कि मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर # पिता फुल मूवी लिखिए और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीज़न से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर उस मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती तो दोस्तों मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं जान रखिए, मूवीज़ के लिए एक्साइट हो। अर्पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे, दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता की जो सक्सेसफुल के रीज़न से स्टोरी, जिसका रीज़न से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है। और साथ ही साथ आप लोगों में से कहीं जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताया कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है। और आप लोगों में से कहीं इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कहीं इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रहे थे पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कहीं इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीजन से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #
फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही ये मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी। उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग फिदहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जॉनर की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरीके नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। हैशटैग जैकी श्रॉफ है, हैशटैग पिता फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते। मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय दत्त सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते ही लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कन कन पिता मूवी में संजय दत्त सर के किरदार को पसंद करते हो, और उनकी इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतने ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय दत्त सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखने चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग में इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को, जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कन कन पिता मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग फिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और खास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे काफ़ी टाइम के बाद, और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजंस इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जॉनर की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन पिताहा मूवी को देखना चाहते हो, पिताहा मूवी पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने
आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जॉनरा को उतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा Zee5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं। ऑफिशियली मूवी के अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कर इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रहे थे, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कहीं संजय दत्त के फ़ैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के अपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीज़न था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर # पिता फुल मूवी लिखी है और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीज़न से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह की मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, अर्पित मूवी के लिए आप काफ़ी अच्छे से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है, उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए। संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कहीं कहीं इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है जी नेटवर्क पर, Zee5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कहीं कहीं इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे, मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कहीं कहीं इस तरह के जनरा की मूवीज़
को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज में आ रहे थे पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को देखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा, मूवी काफ़ी बेहतरीन है स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा, हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेकर कमेंट करिएगा मूवी के सीक्वल को अब आएगी, ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं, और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोग में से कनकन पिता मूवी में संजय सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अच्छे से इतने ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर उन पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिता मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई
मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीज़न ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूं। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजंस इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिटाहा मूवी को देखना चाहते हैं, पिटाहा मूवी काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिटाहा मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज़ हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज़ कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज़ करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह की मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रखी मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जॉनर कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनक संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे, जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स # पिटाहा फुल मूवी लिखी है और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर उस मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं रहती दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर के काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कनकन इंसान रखी मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, अर्पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई MBBS में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिटाहा मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार लिया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कनकन इंसान रखी मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते
उसके लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर जी फाइव की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताए कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कन कर इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे, और दो हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिलीट सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अरसे से इंतज़ार में रहे थे, और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते थे। तो आप लोगों में से कन कर इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए, और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रही थी पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है, और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है, और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेकर कमेंट करिएगा, मूवी काफ़ी बेहतरीन है स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, मूवी के सीक्वल को अब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं, और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन पिता मूवी में संजय सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनरा की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अरसे से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे, और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली। इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा के एप्लीकेशन
G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी के कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग पिताहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूं। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रख के है, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कनकन पिताहा मूवी को देखना चाहते हो, पिताज काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है। महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही है। आप लोगों में से कनक संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज़ देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कॉमेंट करके बताने लगे, जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर हैशटैग पिता फुल मूवी लिखी है, और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स पर मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती थी दोस्तों, मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह के मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, और पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी को अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है, उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए। संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज़ अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा, और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी, जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी।
और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है, और साथ ही साथ आप लोगों में से कौन कौन इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे, और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कन कन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे, और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिटेल सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था, और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अरसे से इंतज़ार में रहे थे, और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों में से कन कन इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए। और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रहे थे पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतने ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी, और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है, और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीज़न से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है, और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, स्टोरी की वजह से ही मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने, और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं, पसंद करते हैं, दोस्तों आप हमें बताइएगा। हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा, और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा। पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। मूवी के सीक्वल कब आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय दत्त सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था, और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी, और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन पिता मूवी में संजय दत्त सर के किरदार को पसंद करते हो, और उनकी इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अरसे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा।
और मैं आप सभी को इस तरीके जनरल की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतना ज़्यादा प्यार दिया रहे। और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे, जिसको देखते हुए लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पुरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय दत्त सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कनकन फिटाहा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #फिटाहा फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और ख़ास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है, जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे हैं, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है, जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है, जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन फिटाहा मूवी को देखना चाहते हो, फिटाहा मूवी काफ़ी बेहतरीन मूवी है। फिटाहा मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर। और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज करने की बातें चल रही थी कुछ टाइम के बाद, संजय दत्त की बर्थडे की मौके पर या फिर मूवी को एक अपनी अर्सेस के रीजन उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं ऑफिशियली मूवी के। अभी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर सर ने। जी हाँ दोस्तों, महेश सर की तो काफ़ी सारी मूवीज़ सक्सेसफुल है, आप सभी को तो पता है महेश मांजरेकर सर ने पिछले टाइम काफ़ी सारे टीवी शो के लेकर काफ़ी सारे मूवीज़ को इन्होंने ही प्रीमियर कर दिया गया और इन्होंने ही डायरेक्ट करते रहे। 2002 में ही इन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी लेकर आया था, जो कि छोटी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग को इस तरह की मूवी देखना पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के मूवी के लिए भी एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे और हमें भी कमेंट कर रहे थे। महेश मांजरेकर सर ने उस टाइम से ही मूवीज़ के डायरेक्टिंग की करियर में स्टार्ट कर लिया था और लोगों को इन मूवीज़ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इंसान रहा कि मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, इस तरह के मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, उन मूवीज़ के जनरा कहानी और स्टोरी के साथ मूवी और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बन जा रही
रही है। आप लोगों में से अगर संजय दत्त के फैन हो, उनके दीवाने हो, आप सभी को उनकी मूवीज देखना पसंद है, जो कि इस मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट रोल में संजय दत्त की देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और हम इस मूवी को अपलोड नहीं करना चाहते थे, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीज़न आया और दोस्तों लोगों ने इस मूवी को कॉमेंट करके हमें भी देखने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमें कमेंट करके बताने लगे जिसका रीजन था कि ये मूवी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पर हैशटैग पिता फुल मूवी लिखिए और हम आप सभी को कमेंट बॉक्स पर मूवी के टेलीग्राम लिंक भी अपलोड करके आप सभी को दिखाएंगे मूवी की स्टोरी और कहानी के रीजन से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रहा है। अगर दोस्तों मूवी में इतनी खास स्टोरी नहीं रहती और मूवी की कहानी अच्छी नहीं है नहीं रहती दोस्तों मूवी सुपर फ्लॉप रह पाती थी। मूवी की स्टोरी में जिस तरह से संजय दत्त सर ने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग अभी भी एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी और भी इस तरह की मूवी के लिए। संजय दत्त सर के साथ महेश मांजरेकर की काफ़ी सारी मूवीज़ के कॉम्बिनेशन चल चुकी है, उनकी काफ़ी सारी मूवी कॉम्बिनेशन भी रिलीज में आ चुकी है। आप लोगों में से कहीं इंसान रखिए मूवीज़ के लिए एक्साइट हो। अर्पिता मूवी के लिए आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, मैं आप सभी को अभी कुछ कहने सकता क्योंकि दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रही है। उनकी कहानी और स्टोरी को देखते हुए संजय दत्त सर की काफ़ी सारी मूवीज अभी भी सक्सेसफुल है, आप देख लिया भी होगा और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे पिता के जो सक्सेसफुल के रीजन से स्टोरी जिसका रीजन से ही मूवी इतनी बेहतरीन रही थी और आप सभी को वो मूवीज़ भी देखने को मिल रही थी। और महेश मांजरेकर ने काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी होस्ट किया है, उसके अलावा उनके साथ काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन मिल रही है। संजय दत्त सर ने 2002 में जो एक्शन ड्रामा मूवी काम किया है, उसके साथ उन्होंने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह से काम किया है, जिसको किरदार में देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा संजय दत्त सर की इस तरह की मूवी जो पिता मूवी में जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, जिसको देखते हुए लोग एक्साइटेड है। और साथ ही साथ आप लोगों में से कहीं इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिएगा, कुछ ऑफिशियली बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे। और इस जनरा की मूवीज़ ने जिस तरह से आप सभी को किरदार दिया है और जिस तरह से मूवी ने आप सभी को स्टोरी में कमबैक कर दिया है, जिसको लोग अभी भी एक्साइट है। संजय सर की काफ़ी सारी बैक टू बैक फुल मूवी अवेलेबल है, जी नेटवर्क पर G5 की सब्सक्रिप्शन पर भी इन मूवीज देखने को मिल जाएगा। अभी भी हम आप सभी को बताएं कि पिता मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया था, जो अभी इतनी सक्सेसफुल भी रह चुका है, और आप लोगों में से कहीं इन जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए पिता मूवी की कहानी और स्टोरी और इस मूवी के टेलीविज़न प्रीमियर की कास्ट देखते हुए भी लोग अभी हमें कमेंट कर रहे थे। और 2 हफ्ते पहले ही इस मूवी के डिटेल सीन्स और काफ़ी सारे सीन्स को रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को देखने के लोग अभी भी एक्साइटेड हो रहे थे। मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी अर्से से इंतज़ार में रहे थे और लोग इन मूवीज़ को अभी भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कहीं इस तरह के जनरा की मूवीज़ को पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करिए और आप ही इस तरह की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड है और अभी भी इस तरह के जनरा के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भोला जैसी काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी रिलीज़ में आ रही थी पिछले टाइम, और उस टाइम पर भी इन मूवीज़ ने इतनी ज़्यादा प्यार और रिकमेंडेशन कमाई कर ली थी और जिसका रीजन्स था ये मूवी सक्सेसफुल रहे ना, और लोग अभी भी इन मूवीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए और एक्साइटेड है। दोस्तों आप लोगों में से कहीं इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो और इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए अभी भी एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा, कुछ सक्सेसफुल रीजन्स के वजह से मूवी चल रही है और मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैं इन मूवीज़ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही मूवी सक्सेसफुल रही है। और काफ़ी सारे लोग ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि पिता मूवी एक बेहतरीन मूवी के रीजन से ही ये इतनी सक्सेसफुल रह गई है और मूवी रिव्यू के किरदार में आप सभी को ये मूवी बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग फुल मूवी संजय दत्त लेके कमेंट करिएगा, मूवी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी की वजह से ही ये मूवी रही है। उस टाइम पर जब रिलीज़ कर दिया था मूवी को, उस टाइम से ही मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर रही थी, उस टाइम पर ही मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे लोगों ने और मूवी की स्टोरी कहानी के रीज़न से ही अभी इतना पॉपुलर रहा था। आप लोगों ने इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए प्यार देते हैं पसंद करते हैं दोस्तों, आप हमें बताइएगा, हम और भी एक्साइटिंग और कहानी वाली मूवी आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल मूवी के बारे में आप सभी को स्टोरी भी मिल जाएगा और वो मूवीज़ भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हैशटैग फिर फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा और इस तरह के जनरा की कौन सी मूवी के लिए
आप एक्साइटेड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरीके नए मूवीज़ के लिए, और आप हमें बताइएगा पिता मूवी के रीज़न और उन मूवीज़ की कहानी के रीज़न से हम आप सभी को ये मूवीज़ बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे सक्सेसफुल रीज़न अभी भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। #टैग जैकी श्रॉफ है #पिता फुल मूवी लेकर कमेंट करिएगा मूवी के सीक्वल कब आएगी। ये कुछ कह नहीं सकते, मूवी के स्टोरी कहानी के रीज़न से ये मूवी पॉपुलर रह पाया है। उस टाइम से ही संजय सर ने जिस तरह से किरदार को निभाया था और उनकी स्टोरी को देखते हुए लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटिंग हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले उनकी और भी ज़्यादा नई मूवी आ रही थी और उन मूवीज़ ने भी लोगों को काफ़ी अच्छी खासी किरदार में मूवी को दिखाया था, और उन्होंने पिछले टाइम कुछ और मूवी के अंदर काम कर लिया था। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन पिता मूवी में संजय सर के किरदार को पसंद करते हो और उनकी इस तरह के जनर की मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिएगा कुछ मूवीज़ है जिसने काफ़ी अच्छे से लोगों को प्यार दिया है और काफ़ी सक्सेसफुल रह गया है, और उन मूवीज़ को भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस तरह के जनर की मूवीज़ को दिखाने की कोशिश करूंगा जिसने आप सभी को काफ़ी अर्से से इतने ज़्यादा प्यार दिया रहे, और संजय सर ने जिस तरह से पिता मूवी के अंदर लीड कास्ट में काम किया था और उनके किरदार को निभाते रहे थे जिसको देखते लोग अभी भी उनकी काफ़ी सारी मूवी को प्यार करते हैं। मूवी के अंदर ओम पूरी लीड कास्ट में नज़र आ रहे थे जिसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्साइटिंग स्टोरी के साथ, और संजय सर भी मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। साल 2002 की ड्रामा हिंदी सिनेमा की मूवी फिटाहा देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संजय दत्त, नंदिता दास, तानवी हेगड़े, ओम पुरी की लीड कास्टिंग में बनी 2002 की हिंदी सिनेमा की एक एक्शन ड्रामा मूवी फिटाहा की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, काफ़ी अर्से से ये मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि 6.4 की IMDb रेटिंग मिली इस मूवी के राइट्स है जी सिनेमा के पास। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को जी सिनेमा की एप्लीकेशन G5 पर देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी वर्जन में काफ़ी अर्से से इस मूवी को जो एक्शन ड्रामा मूवी 2002 की संजय दत्त लीड कास्टिंग में इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन मूवी बन चुकी है। इस मूवी को काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटिंग तरीके से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे जो कि फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सभी के पास इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के वजह से ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, और साथ ही साथ इस मूवी की कास्टिंग और इस मूवी की स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। आप लोगों में से कन कन पिता मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #पिताहाफुलमूवी लेके कमेंट करिएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग कहानी के साथ बनी इस मूवी को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को जैकी श्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी मूवी के अंदर लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी कहानी के रीजन से ही ये मूवी इतनी पॉपुलर रहा है। मूवी के सबसे सक्सेसफुल के रीजन ही मूवी के कहानी है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना चाहते हो, इस तरह के जॉनरा की मूवी को पसंद करते हो, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक्साइटिंग और खास मूवी बनने वाली है। काफ़ी सारे लोग ने इस मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और हमें कमेंट करके भी पूछ रहे थे काफ़ी टाइम के बाद, और काफ़ी गैप के बाद आप सभी संजय दत्त सर की इस मूवी को देखने को मिल रहा है जो कि मैं भी आप सभी को इस मूवी के प्रीमियर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। G5 के प्रीमियर आपके पास है, G5 के सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने रखे है, तो दोस्तों ये मूवी आप लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। और पिछले टाइम तो जी नेटवर्क वालों ने ही इस तरह के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मूवी के राइट्स लेकर रखा है जिसका रीजन इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होना और मूवी के कहानी काफ़ी बेहतरीन और एक्साइटिंग रहा है जिसका रीज़न ही लोग अभी भी इस तरह के जनरा की मूवी को प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन पिता मूवी को देखना चाहते हो, पिता मूवी पिता काफ़ी बेहतरीन मूवी है। पिता मूवी ने आप सभी को काफ़ी अच्छी खासी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाया है। पिछले टाइम तो लोग इन मूवी के जनरा को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब रिलीज हुआ तब इस मूवी ने और भी ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से अपनी कहानी को रिलीज कर दिया गया है। और प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा G5 पर और यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद